हटा गई अखनी वेखनी तेरी दे अगे कोई कखनी अख ला के लगनो हटा गई अखनी वेखनी तेरी दे अगे कोई कखनी नींदरा ना आउण दे सी रीजन बथेरे गल दिल दी ऐ नंबरां चो वन बलिए मापियां दी अख दा नी तारा गबरू बोलिया तू कह के चन चन बलिए मापियां दी अख दा नी तारा गबरू बोलिया तू कह के चन चन बलिए तकदी था करे तन तन बलिए मापियां दी अख दा नी तारा गबरू बोलिया तू कह के चन चन बलिए मापियां दी अख दा नी तारा गबरू बोलिया तू कह के चन चन बलिए अख जी दे लगदा है बिल्लो पूरा शहर नी इजीली ना मिले ओदा प्यार नाले वैर आओ मित्रां दी जान मुंडा यारियां च टॉप ते इश्के दे वल तां पटदा ना पैर नी केड़े वे सानू खबरा ना होया कनो कन बलिए मापियां दी अख दा नी तारा गबरू बोलिया तू कह के चन चन बलिए मापियां दी अख दा नी तारा गबरू बोलिया तू कह के चन चन बलिए करमा दी लाटरी तू मन बलिए मापियां दी अख दा नी तारा गबरू बोलिया तू कह के चन चन बलिए मापियां दी अख दा नी तारा गबरू बोलिया तू कह के चन चन बलिए मापियां दी अख दा नी तारा गबरू बोलिया तू कह के चन चन बलिए ओ टॉप सरदारा विच बापू दा ए ना पुत होया सुनदा बटाल भी नू कुंडी मार के ठेडे खांदा फिरदा नी सोनिए आओ तेरे दिल विचो पैर कड जान ते ओ दो बारी जट पिल्ला मरिए पहला तेरे ते नी दूजा तेरे छड जान ते ओ दो बारी जट पिल्ला मरिए पहला तेरे ते नी दूजा तेरे छड जान ते शिमला तू भी सेमिनार आई करे बोल के टाइटैनिक दे पोज तेरे फेवरेट ओ किन्ने मार दी सी सन रूफ खोल के नित मिल दी सी पहला तू क्लास तो नी तेरी मॉर्निंग हुंदी ओ दो गुड आन के ओ दो बारी जट पिल्ला मरे पहला तेरे ते नी दूजा तेरे छट जान ते ओ दो बारी जट पिल्ला मरे पहला तेरे ते नी दूजा तेरे छट जान ते कंटीन दे विद टिप तारे नोटा दा फ्लड जान के ओ दो बारी जट पिल्ला मरे पहला तेरे ते नी दूजा तेरे छट जान ते ओ दो बारी जट पिल्ला मरे पहला तेरे ते नी दूजा तेरे छट जान ते सीन हाले तक चेते मैनू सोनिए चोरी तेरे होस्टल आउण दा वार्डना तो गाला याली वार्निंग ते पहली बारी ठाणे पैर पौण दा अज ताई बापू टोट मार दे कड्डी कर दी शराब नाल रज जान ते ओ नित नित तां मैं गोरिए
एह दुख भी नी यार करदा मेरे खास यार बेली जान दे तैनू किन्ना सी प्यार करदा हो मुंडा अज भी तू चिट्टी विच नी के तू पालदी सी की बलिए तेरी याद नाल आउणी चाहीदी हो इक बोतल फ्री बलिए तेरी याद नाल भुलिया नी जाना यार नू लुट्टी मेरे ना बहार आऊगी नाले चेते मेरी कार आऊगी मैं ता पैग पुग ला के सार
चल जाना है ता जा नी को गल मारे जट नू टुटियां ने लड़ लड़ के वैसे दिला च सी एक दूजे वास्ते वफा लिखे बैस बैस गाने गाउंदे फिर देने आने ताही फीलिंग जही है धन्नवाद आ गई नी मैं पहले वीक खुश होया दूजे वीक पैग लाए तीजे वीक फेर दे दुख दख तानी नेड़े तेरे लगने बड़ा सोच गया रब ने मलाया मेरे ना जे तू कहे तारे तोड़ चुन्नी चिजड़ा दिया नी होर दस का दी पाले हकेर कुड़िया तू पहला नालो ज्यादा जच दी हकेर खड़ी भी ता जट नाले हकेर कुड़िया तू पहला नालो ज्यादा जच दी हकेर खड़ी भी ता जट नाले आए पिंडा दे सूला चो यारा नू बुलाउन लगे निकले आ
निकाल जियों तो पहला तू लेफ्ट साइड ठोडी ते ब्लैक तिलनी जीदे उत्ते मित्रां दा आया दिल नी आता कम बिलकुल राइट करता इन्नी सोहनी रब ने बना के बलिए बाली ला के एनक जी काली बिलो दिन दा माहौल जमा नाइट करता हो इन्नी सोहनी रब ने बना के बलिए टाउन तू करा ते शीशे डाउन पुलिस ने नाका कहते टाइट करता ओ इन्नी सोहनी रब ने बना के बलिए मित्रां दा फ्यूचर ब्राइट करता ओ तैनू इन्नी सोहनी रब ने बना के बलिए मित्रां दा फ्यूचर ब्राइट करता ओए होए जनाब करे सिफता पंजाब ताही वैस वैस नहीं मी जीत राइट करता ओ इन्नी सोहनी रब ने बना के बलिए मित्रां दा फ्यूचर ब्राइट करता ओ तैनू इन्नी सोहनी रब ने बना के बलिए मित्रां दा फ्यूचर ब्राइट करता ओए होए तोड़दा नी अलड़ां दे दिल तोड़ के हसदा ए तेरे नाल टेवे जोड़ के सदाए तेरे नाल टेवे जोड़ के जट दे ड्रीम लैन लखा कुड़िया मुंडा तेरे लैंदा ए निखाब देख लै चुन के तू लैगी चोपरा चो गप्परू जट्टिए नी अपने तू भाग देख लै चुन के तू लैगी चोपरा चो गप्परू जट्टिए नी अपने तू भाग देख लै फिट तेरे आ गया हिसाब देख लै चुन के तू लैगी चोपरा चो गप्परू जट्टिए नी अपने तू भाग देख लै चुन के तू लैगी चोपरा चो गप्परू जट्टिए नी अपने तू भाग देख लै पट्टियाला शाही पग बल्ली है सारिया चो लगदा
प्यार वाली फीलिंग दे नाल दा नारा दिया नींदरा दा ठग बलिए माझे तो दुआबे तक फुल चढ़ता मुंडे बिच वसदा पंजाब देख ले चुन के तू लै गई चोपरा चो गभरू गट्टिए नी अपने तू भाग देख ले चुन के तू लै गई चोपरा चो गभरू गट्टिए नी अपने तू भाग देख ले रगा बैठिया तैयार नाल खड़े गोरिए यूनिफॉर्म करी कंट जी दे लड़े गोरिए रगा बैठिया तैयार नाल खड़े गोरिए यूनिफॉर्म करी कंट जी दे लड़े गोरिए लाल लाल अखा चाल जट्टा आली रखा कड्डे जान जीनू तके तेरे रोज कतल दो पक्के लब के दिखाती पतलो लब के दिखाती पतलो ते मिठा मिठा तू हस के साडी नागनी चलाती पतलो मिठा मिठा तू हस के साडी नागनी चलाती पतलो मिठा मिठा तू हस के सोड़ियो एक गल हो नखरा तेरा चुस्तर काने टैटू रखे गुप्तर काने तैनू देख के छाल मार दे अंता दा जो सुस्तर काने सूट ब्लैकी सप नाल दा रंग सांवला जट नाल दा बड़े पए आ संद डिगी विच कोई ना तेरी अख नाल दा तू दिल चोपरां ते जित ले आ चोपरां ते जित ले आ तू निकलिए पर तितली ते जट घेड़ियां ते निकले आ निकलिए पर तितली ते जट घेड़ियां ते निकले शुगर केन दी भोरी रखी फकर बंदा लाया गल नू फुकरे वास्ते गोली रखी दस पतंदर बुड़के केड़ा कोका कोला डांग ते डेरा देखी खड़ा बठिंडे आला दिंदा रहिंदा मुछ नू गेड़ा लगी टौर उत्ते रीज मिठिए टौर उत्ते रीज मिठिए नी तेरे तिखे चीर वरगी जट रख दे करीज मिठिए तेरे तिखे चीर वरगी जट रख दे करीज मिठिए लोकी कहणगे कौणे आ गया उच्ची करके तौणे आ गया दो दिन खुलना जाम नी मिठिए जे जट तेरे टौणे आ गया तू जुलका जट जेंगो जटिए थल्ले आवस बेंगो जटिए संधू ते कप्तान दोहां दा माझा वालवा कोंगो जटिए आओ वेख गेम च ते हाथी पतलो गेम च ते हाथी पतलो दोवें जांदियां नी छड्डियां इक तू ते गलासी पतलो दोवें जांदियां नी छड्डियां इक तू ते सी पतलो दोवे जांदियां नी छटियां ओ पहली वारी मिले आपा संग दे संगाउंदे ओ दूजी वारी मिले आपा कॉफी दे बहाने तीजी वारी कादी तैनू फिल्म विखाई नी चौथी वारी आ कम हो गया रकाने नी ए जीने भी ए कीता नहीं ओ ठीक नी साला चर्चा नजायज दूर दूर हो गया साडी कट्ठियां दी फोटो हो गई लीक नी आईने विच मुंडा मशहूर छेती पिंड बुला लो एनू करना देवे कोई वाका जी करना देवे कोई वाका जी रिश्तेदारा दे फोन खड़क गए चंबड़ गया कहंदे काका जी छेती पिंड बुला लो एनू करना देवे कोई वाका जी साडा रुस गया चाचा अमरीक नी नाले गुस्से मेरा मामा भरपूर हो गया हो गया
फड़ फड़ फोन डिलीट कराई तां वी वेख लै पहुंच गई सारिया सोशल साइटा उत्ते आथण नूं हो लॉन्च गई फड़ फड़ फोन डिलीट कराई तां वी वेख लै पहुंच गई सारिया सोशल साइटा छड़ खरड़ टकाना संगरूर हो गया साडी कठियां दी फोटो हो गई किनी इन्ने विच मुंडा मशहूर हो गया साडी कठियां दी फोटो हो गई किनी इन्ने विच मुंडा मशहूर हो गया मशहूर हो गया नी इन्ने विच मुंडा मशहूर हो गया इन्ने विच मुंडा मशहूर हो गया गीता करके बैंस बैंस नहीं फोटो करके हो गई हा मैनू भी लोकी जानने लग गए तैनू भी कहिंदे आ गई हा जरूर हो गया साडी कठियां दी फोटो हो गई किनी इन्ने विच मुंडा मशहूर हो गया साडी कठियां दी फोटो हो गई किनी इन्ने विच मुंडा मशहूर हो गया मशहूर हो गया नी वे सारे शहर वाले जट्टा खांदे ते चोखार ने जोड़िया क्रीम नाल चुणवे दे यार ने हेडलाइन बने वे तू नित अखबार दी नेगेटिव इमेज बनाई फिर यार दी लोकां दी समा
की कसम हम तुम्हारा सिवा दूसरा के ना जानी हो, तू हमारा के चाहे लूं ई सोच के बड़ी खुश रहनी हो। अब सोचने वाली बात ये थी कि ये आदमी कौन था। दोस्तों, ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। वो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा हो। दोस्तों, ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। वो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा होता है। वो कहता है कि तुम ये बातें किसी और को नहीं बताओगे, क्योंकि तुम भी मेरी तरह उन्हें हमला कर दिया होता है। और देखते ही देखते वो सभी उसे अपना भोजन बना लेते हैं और मेलिनी और साथी भी वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वो भी उन हाइब्रिड बच्चों के प्लान का एक हिस्सा होता है। वो बच्चे अब उन्हें भी घेर लेते हैं। इसके बाद मेलिनी और उनके बीच एक फाइट होती है, जिसके बाद वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये सभी लैब पहुँच जाते हैं। वहाँ मौजूद कैलरिन अब लैब में एक गैस फैला देती है, जिसकी वजह से कैलरिन को छोड़ सभी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर मेलिनी को घसीट कर ऑपरेशन के लिए ले जाती है। अब ये सच सामने आता है कि डॉक्टर कैलरिन को एक ब्लड इन्फेक्शन, लेकिन इनमें से कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब सिवाज एलेक्स को उसकी कैंपिंग वाली जगह पर ले चलने को कहता है। इसके बाद एलेक्स इनके साथ आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में इनको एक पलटी हुई बस मिलती है। नेट जब उस बस को चेक करता है तो उसमें एक गन और एक चाबी मिलती है। मिली हुई गन को नेट अपने पास छुपा लेता है, जिसे वो वोल्टर को दे देता है। गाड़ी को खोलने पर इनको उसमें ढेर सारा पैसा मिलता है। सिवाज सबको दो दो भाग लेकर आगे चलने को कहता है, लेकिन वोल्टर जख्मी था इसलिए वो बैग ढोने से इनकार कर देता है। सिवाज के फोर्स करने पर वोल्टर उस पर नेट की दी हुई गन के साथ हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती। सिवाज को इससे बहुत गुस्सा आता है और वहाँ जितने भी पिग आते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, जो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसलिए वो उन्हें मार देती है। अब ये लोग मैकेनिक की तलाश में उस औरत के साथ उसके घर पहुँचते हैं। अब बातों ही बातों में हेनरी का जिक्र होता है, जो वो उनसे हेनरी के लुक के बारे में पूछती है और एक फोटो भी दिखाती है। वो कहती है कि हेनरी उसका कजिन है। ये सुनते ही दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कैबिन के पास एक लेडी इंस्पेक्टर आती है, जिसका नाम विंगस्टन होता है। उसे पोल बताता है कि उन पर एक इन्फेक्टेड इंसान ने अटैक कर दिया था। वो अब रिपोर्ट लिखती है, लेकिन उस वक्त उस इंस्पेक्टर का बिहेव थोड़ा अजीब दर्द होता है। वो जब जूते निकालता है तो वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि उसका पैर एक भेड़ की तरह हो गया है। अब उन्हें कई भेड़ अपनी ओर आते हुए नजर आते हैं। ये देखते ही वो भागने लगते हैं। भागते भागते एक लैब में चले जाते हैं, जहां भेड़ों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। वहां उन्हें बिना खाल की एक भेड़ नजर आती है, जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इसी बीच एक साइंटिस्ट वहां आ जाती है। वो उनसे पूछती है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और काफी गुस्सा करने लगती है और एंगर भी वही होता है। हेनरी उससे इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मैंने इसके मूवी के बजट के बारे में कुछ गोलमाल है। इसी बीच हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि अनामिका अपनी लाइफ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मां की मर्जी से जी रही है। और उसे ये पता चलता है कि उसके पति और उसकी मां ने बैंक अकाउंट के सारे पैसे निकाल लिए हैं। ये बात जानकर वो अपने प्रेमी के पास चली जाती है और उससे कहती है कि आई एम विद यू, यानी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर आगे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन जाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद अनामिका अपने घर पर आती है तो हम देख पाते हैं कि उसका पति कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। अब डेलन यही सोच रहा था कि ये सब थ्रेडियस की गेम है, क्योंकि सारे हॉर्समैन ने मिलकर उसको अरेस्ट कराया था। और थ्रेडियस कहता है कि ये सब मैंने नहीं कराया है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये सब कैसे हुआ है और इस टाइम पे हॉर्समैन कहाँ पर है, और मैं तुम्हें उनके पास लेकर जा सकता हूँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं जेल से बाहर आऊँ।
उधर हम चारों हॉर्समैन को एक मैजिक शॉप में देखते हैं और यहाँ पर डैनियल आई कम्युनिटी को कॉन्टेक्ट करता है क्योंकि वोल्टा की बात मानने का भी उनका एक रीजन था कि वो उस चिप को चुरा कर आई को दे देंगे और इसलिए डैनियल अब आई को कॉन्टेक्ट करता है और अब वो बहुत ज्यादा अलर्ट सिक्योरिटी से लड़ूंगा। एजेंट टीनेजर लड़ाई शुरू कर देता है लेकिन फाइनली एनेबिस उसको पकड़ लेती है तो एनेबिस सबके सामने लाइव आके उस बच्चे को मार देती है। उसके बाद रेड टेलवन कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं तो वो उसके पास उसके अड्डे पर जाता है और वहां जाकर उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन रेड टेलवन भी मारा जाता है। जब प्रेसिडेंट को इस बात का पता चलता है तो वो परेशान हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, रेड टेलवन कैसे मर सकता है। राइट हुक ने एक और बच्चे को ट्रेनिंग दी थी जिसका नाम है लिटिल विंगर्स, वो भी मार्वलस मैन जैसा होता है और उसे बेचता है एरेबिस के अड्डे पर। वहां जाकर वो तबाही मचा देता है और सबको मार देता है। नाइट हुक कोटेक्स से कहता नजर आता है जिसके पास कई भेड़े होती हैं, उसे अचानक भेड़ों की आवाज आने लगती है जो बेहद डरी हुई मालूम होती है। इस बीच कोई चीज जमीन के अंदर से ही फ्रेड को नीचे की ओर खींचने लगती है। इसके बाद सभी भेड़ भी मारी जाती हैं। अब वहां मैकी और अर्ल आते हैं, वो इस भयानक नजारे को देखकर बेहद घबरा जाते हैं। वो लोग फ्रेड को ढूंढने लगते हैं, फिर उन्हें जमीन पर उसकी कैप दिखाई देने लगती है। वो उसको उठाते ही वहां से चार कदम की दूरी पर हट जाते हैं। दरअसल हैट के नीचे फ्रेड का कटा हुआ सिर होता है। ये देखने के बाद दोनों वहां से भाग खड़े ऑफ करने के लिए बोलता है जिसके बाद सभी लाइट्स को बुझा दिया जाता है। अब उसकी बॉडी का चेकअप होता है तो पता चलता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह ही काम कर रहा है। इसी तरह 3 दिन गुजर जाते हैं। अब उसे वापस विजिबल होने के लिए एंटीडोज को इंजेक्ट किया जाना होता है। इंजेक्ट करने के बाद उसके शरीर में तेज दर्द होने लगता है, इसके साथ ही वो विजिबल भी नहीं हो पाता है। उसे अब ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है। उसकी हालत काफी खराब होने लगती है। इसे देख उसके सहयोगी उसे एक मास्क लेप लगा देते हैं। अब धीरे धीरे वो मेंटली डिस्टर्ब भी होने लगा था, इसे लेकर काफी परेशान भी था। जिंदा बच पाती है उस लड़की का नाम होता है सैली। उस लड़की ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया था जिसके बाद उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, यानी कि इस बारे में उसने कभी भी डिस्कस नहीं किया क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही भयावह कांड था। दोस्तों उस बयान में उसने एक खूनी का जिक्र किया था, खूनी ने चमड़े का मास्क पहना हुआ था इसलिए वो उसका असली चेहरा देख नहीं पाई थी।